हेलो एवरीवन वेलकम टू हरिकृष्णा ट्यूटर्स आज हम करेंगे क्लासिक्स साइंस का चैप्टर नंबर थर्ड विच इज़ फाइबर टू तो फैब्रिक इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि हमारे जो क्लोथ्स होते हैं वो कैसे बनते हैं और जो डिफरेंट टाइप्स के हमको क्लोथ्स मिलते हैं जैसे कोई कॉटन होता है कोई जूट होता है कोई सिल्क होता है तो हमको वो सारे क्लोथ्स कहाँ कहाँ से मिलते हैं और कैसे मिलते हैं ठीक है तो सबसे पहले इसमें हमको गिवन है वैरायटी ऑफ फ़ैब्रिक्स कि हमारे मार्केट में हमारे वर्ल्ड में काफ़ी सारी अलग अलग वैरायटी वैरायटी मीन्स होता है टाइप्स कि अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के हमको फैब्रिक मिलते हैं ठीक है ना अब हमको कैसे पता चलता है कि कोई भी फैब्रिक क्या है तो इसमें इनको हमको एक एक्टिविटी गिवन है विजिट ए नियर बाई टेलरिंग शॉप कलेक्ट कटिंग्स ऑफ फैब्रिक्स लेफ्ट ओवर आफ्टर स्टिचिंग कि आप अपने आसपास किसी भी एक टेलरिंग शॉप पर जाइए और उस शॉप में जो भी हमारे स्टिचिंग के बाद जो कपड़े बच जाते हैं जो किसी भी काम के नहीं होते हैं उन कपड़ों को आप कलेक्ट कीजिए फील एंड टच ईच पीस ऑफ फैब्रिक नाउ ट्राई टू लेबल सम ऑफ़ द फैब्रिक्स एज कॉटन सिल्क वूल और सिंथेटिक आफ्टर आस्किंग फॉर हेल्प फ्रॉम द टेलर अब हम क्या कर सकते हैं वो जितने भी क्लोथ्स हैं उनको फील करके उनको टच करके हम पता लगा सकते हैं कि ये हमारा कॉटन का कपड़ा है सिल्क का कपड़ा है वूल का है या फिर कोई सिंथेटिक फाइबर है इसमें हम लोग अपने जो टेलर हैं हम उनकी भी हेल्प ले सकते हैं क्योंकि उनको जो कपड़ों की नॉलेज है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से है ठीक है अब इसमें आगे हमको एक और एक्टिविटी गिवन है सेलेक्ट अ पीस ऑफ कॉटन फैब्रिक नाउ ट्राई टू फाइंड अ लूज थ्रेड और यान एट वन ऑफ दी एज एंड पुल इट आउट इसमें क्या होता है कि हमारे जो भी कपड़े होते हैं उनके एंडिंग से कुछ ना कुछ थ्रेड निकल रहे होते हैं वो हमारे थ्रेड क्या होते हैं यान तो जो भी हमारे जो भी हमने क्लोथ लिया है उसके साइड में से किनारों में से जो भी थ्रेड निकल जाए हमको थोड़ा सा उनको निकालना है ये थोड़े से लूज होते हैं यान होता है या थ्रेड होता है ये ठीक है आगे इसमें गिवन है यान आर विजिबल यू कैन जेंटली पुल आउट वन आउट विद अ पिन और द निडल कि ये विजिबल होते हैं यान और हम इनको आसानी से निकाल सकते किसी भी पिन से या फिर किसी भी निडल की हेल्प से आगे हमको इसमें एक और एक्टिविटी गिवन है विच इज़ ओवर द टॉपिक फाइबर कि हमारे जो अलग अलग टाइप्स के फाइबर होते हैं उसके ऊपर टेक आउट अ यान फ्रॉम अ पीस ऑफ कॉटन फैब्रिक कि हमारा जो कॉटन का जो क्लोथ है उसमें से हमको क्या निकालना है यान निकालना है प्लेस दिस पीस ऑफ यन ऑन द टेबल नाउ प्रेस वन एंड ऑफ द यन विद योर थंब स्क्रैच द अदर एंड ऑफ द यन अलोंग इट्स लेंथ योर नेल एज शोन इन फिगर थ्री पॉइंट फोर यह हम फिगर थ्री पॉइंट फोर में देखते हैं कि हमारा जो ये यान था इस यान को हमको क्या करना है इसके दोनों एंड्स को एंड्स में अपने थंब रखने हैं और फिर इसको प्रेस करना है इसको प्रेस करने से क्या होगा ये जो यान है ये इस तरीके से रोल हो जाएगा जो भी वो जितने भी वो यान थे वो आपस में एक दूसरे से लिपट जाएंगे ठीक है ना आगे इसमें क्या गिवन है हमको यू माइट हैव ऑब्जर्व समथिंग सिमिलर वेन यू ट्राई टू थ्रेड अ निडल मेनी टाइम्स द एंड ऑफ दपरेटेड इन टू अस स्टैंड अब जब हम उसको एकदम जोल कर लेते हैं उसके कुछ देर बाद क्या होने लगता है कि वो जो हमारे थ्रेड होता है जो हमारा यार्ड होता है वो सेपरेट होने स्टार्ट हो जाए होने लगते हैं आप इस एक्टिविटी को एक बार आप घर पे ट्राई करके देखिए तो आपको और ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा दिस मेक्स इट्स डिफ़िकल्ट टू पास द थ्रेड थ्रू दी आई ऑफ द निडल और इसी की वजह से क्या होता है कि हमारा जो थ्रेड होता है वो हमारी जो निडल होती है उसकी नोक से बहुत मुश्किल से आर पार हो पाता है क्यों क्योंकि हमारा जो थ्रेड होता है वो सेपरेट होना स्टार्ट होने लगता है द थिन स्ट्रैंड्स ऑफ द थ्रेड दैट वी सी आर मेड अप ऑफ स्टिल थिनर स्ट्रैंड्स कॉल्ड फाइबर अब हमारे वो जो पीसीस होते हैं थ्रेड के जो सेपरेट होने लगते हैं वो किससे बने होते हैं फाइबर से काफ़ी सारे फाइबर्स को जब हम इकट्ठा करते हैं तब हमारा क्या बनता है एक थ्रेड बनता है और एक यान जब उन यान को हम इकट्ठा करते हैं तब हमारा क्या बनता है एक क्लोथ बनता है ठीक है आगे इसमें गिवन है हमको द फाइबर ऑफ सम फैब्रिक्स सचेज कॉटन जूट सिल्क एंड वुल आर ऑबटेन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स काफ़ी सारे हमारे जो फाइबर्स होते हैं कुछ फैब्रिक्स के जैसे कि कॉटन जूट सिल्क एंड वूल ये हमको फाइबर्स कहाँ से मिलते हैं प्लांट से और एनिमल से दीज आर कॉल्ड नेचुरल फ़ाइबर्स ये हमारे क्या कहलाते हैं नेचुरल फ़ाइबर्स कुछ फाइबर्स होते हैं मैन मेड जो हम ह्यूमन बींग्स बनाते हैं कुछ फाइबर्स होते हैं नेचुरल फ़ाइबर्स जो हमको प्लांट से या फिर एनिमल से मिलते हैं आगे इसमें गिवन है कॉटन एंड जूट आर एग्जाम्पल्स ऑफ फाइबर्स ऑप्टेंड फ्रॉम प्लांट्स कि हमारा जो कॉटन और जूट है वो हमको कहाँ से मिलता है प्लांट से मिलता है वहीं जो हमारा वूल और सिल्क है ये फाइबर्स हमको एनिमल से मिलते हैं वूल इज़ ऑप्टेंड फ्रॉम द फ्लीस ऑफ शीप और गॉट वूल हमको कहाँ से मिलता है जो भी हमारे शीप और गॉड की जो फ्लीस यानी कि हेयर फ्लीस का मतलब क्या होता है हेयर उधर से हमको मिलते हैं जब आप लोग क्लास सेवन्थ में आएंगे तब हमको एक और चैप्टर गिवन है विच इज़ ओवर द टॉपिक फाइबर टू फैब्रिक उस पूरे टॉपिक में उस पूरे चैप्टर में हमको बताया गया है कि हमारा जो वूल होता है वो हमको कैसे मिलता है वो कैसे ऑप्टेंड होता है वो कैसे जो हमारा एक फ्लीस होता है वो पूरा पूरा किस तरीके से एक फैब्रिक में कन्वर्ट होता है इट इज़ ऑल्सो ऑब्टेंड फ्रॉम द हेयर ऑफ रैबिट्स याक एंड कैमल्स कि हमारे जो वूल होता है वो हमको रैबिट्स याक एंड कैमल्स के हेयर से भी मिलता है सिल्क फाइबर्स इज ड्रॉन फ्राम द कोकून ऑफ सिल्क वाम और हमारा जो सिल्क फाइबर होता है वो हमको कहाँ से मिल मिलता है जो हमारे कोकूनस के जो सिल्क वॉम होते हैं उधर से क्लास सेवंथ में इसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा डेप्थ में बताया गया है कि इसके सारे प्रो, प्रोसीजर जो होते हैं जो पूरा इसका स्टेप होता है कैसे ये पूरा एक सिल्क में कन्वर्ट होता है आगे इसमें गिवन है फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स नेचुरल फाइबर्स वर दी ओनली वंस अवेलेबल फॉर मेकिंग फैब्रिक्स इन द लास्ट हंड्रेड ईयर्स ऑल्सो फाइबर्स आर ऑल्सो मेड फ्रॉम केमिकल अब काफ़ी हज़ारों सालों से यही चीज़ थी कि हमारे जो फाइबर्स होते हैं वो हमको कहाँ से मिलते हैं नैचुरली ने, मिल आ, मिलते हैं यानी कि प्लांट से और एनिमल से मगर काफ़ी सारी रिसर्च के बाद हमको ये चीज़ भी पता चला कि हम लोग जो फाइबर्स हैं वो हम इंसान भी बना सकते हैं एक केमिकल प्रोसीजर के थ्रू ठीक है विच आर नॉट ऑप्टेन फ्रॉम प्लाट्स और एनिमल सोर्सेस और वो जो हमारे फ़ाइबर्स होते हैं वो ना तो हमको प्लांट से मिलते हैं ना ही हमको वो एनिमल से मिलते हैं और उस टाइप के फ़ाइबर्स जो हम ह्यूमन बींग्स बनाते हैं केमिकल सब्सटेंसेस की हेल्प से क्या कहलाते हैं वो सिंथेटिक फाइबर्स हमने अभी दो टाइप्स के फ़ाइबर्स पढ़े हैं एक होता है हमारा नेचुरल फ़ाइबर्स जो हमको नेचुरल रिसोर्सेज से मिलता है यानी कि एनिमल से और प्लांट से दूसरे हमारे फाइबर्स होते हैं सिंथेटिक फाइबर्स जो हम ह्यूमन बींग्स बनाते हैं केमिकल सब्सटेंसेस की हेल्प से ठीक है अब इधर कुछ एग्जाम्पल है सिंथेटिक फाइबर्स के जैसे कि पॉलिएस्टर नाइलॉन एंड एक्रेलिक अब इधर हमको गिवन है सम प्लांट फाइबर्स अब हमारे कुछ फ़ाइबर्स होते हैं जो हमको प्लांट से मिलते हैं जैसे कि इसमें सबसे पहले हमको बताया गया है कॉटन का कि हमको जो ये कॉटन है वो कैसे मिलता है ठीक है Have you ever made wicks for oil lamps? What do you use for making these wicks? This cotton wool is also used for filling mattresses, quilts or pillows. कि हमने काफी सा काफी बार हमने oil lamps बनाए हैं। अब जिस तरीके से हमको oil lamps के लिए हमको wicks मिलती है, उसी तरीके से हमको कॉटन भी मिलती है और हम उस कॉटन का किस लिए यूज़ करते हैं कि हम लोग पिलोज में मैट्रेस में हमारे जो गद्दे होते हैं बेड के जो गद्दे होते हैं हम लोग उनमें भी उन कॉटन की फिलिंग करते हैं ठीक है आगे इसमें गिवन है द स्मॉल थिन स्ट्रैंड्स दैट यू सी आर मेड अप ऑफ कॉटन फाइबर्स अब हमने अधिकतर क्या देखा है कि कॉटन के जो एजेस होते हैं किनारे होते हैं उनसे कुछ ना कुछ धागे जैसे निकल रहे होते हैं तो वो धागे क्या होते हैं वो हमारे कॉटन फाइबर्स के ही स्ट्रैंड्स होते हैं उन स्ट्रैंड्स उन यान को हम जब काफ़ी सारे यान हमारे इकट्ठे हो जाते हैं तब उन यान को मिला के हमारा पूरा कॉटन फाइबर बन जाता है ठीक है अब इधर नेक्स्ट टॉपिक आता है कि हमारा ये जो कॉटन वूल होता है ये आता कहाँ से है इट इज़ ग्रोन इन the फील्ड कॉटन प्लांट्स आर usually ग्रोन एट places हैविंग ब्लैक soil एंड वार्म क्लाइमेट अब जिस तरीके से हमारे पास वीट के लिए एक फ़ील्ड होती है राइस की एक फ़ील्ड होती है ठीक है उसी तरीके से हमारी जो कॉटन होती है उसकी भी एक पूरी फील्ड होती है कॉटन की भी खेती होती है ठीक है जहाँ पर हमारे जो कॉटन के प्लांट्स होते हैं वो उगते हैं मगर कॉटन के प्लांट्स को उगाने के लिए हमको क्या चाहिए होती है एक ब्लैक सॉयल चाहिए होती है और वार्म क्लाइमेट चाहिए होता है जो बाकी सॉइल्स होती हैं उसमें हमारा जो कॉटन होता है उसकी खेती नहीं हो पाती है कॉटन के लिए हमको ब्लैक सॉयल ज़रूरी होता है ठीक है आगे द फ्रूट्स ऑफ द कॉटन प्लांट जिनको हम कॉटन बॉल्स बोलते हैं आर अबाउट द साइज ऑफ अ लेमन अब हमारे जो कॉटन प्लांट होता है उसमें कुछ फ्रूट्स उगते हैं जिनको बोला जाता है कॉटन बॉल्स और उनका साइज़ कैसा होता है लेमन जैसा साइज़ होता है लेमन की शेप में होता है यानी कि नींबू जितने साइज़ में होते हैं नींबू जितने छोटे होते हैं और उसी की ही साइज़ में शेप में वो होते हैं आफ्टर मेच्योरिंग द बॉल्स बर्स्ट ओपन एंड द सीड्स कवर्ड विथ कॉटन फाइबर्स कैन बी सीन उसके कुछ टाइम बाद क्या होता है जब वो कॉटन बॉल्स मेच्योर हो जाती हैं थोड़ी बड़ी हो जाती हैं तब तो वो बॉल्स बर्स्ट हो जाती है यानी कि वो फूट जाती है वो बॉल्स और उन बॉल्स में जो सीड की जो कवरिंग होती है कॉटन फाइबर की वो हम देख सकते हैं ठीक है जब वो कॉटन बॉल्स बर्स्ट हो जाती हैं आगे इसमें गिवन है फ्रॉम दीज बॉल्स कॉटन इज यूजली पिक्ड बाय हैंड्स फाइबर्स आर देन सेपरेटेड फ्रॉम दी सीड्स बाय कॉम्बिंग अब क्या होता है कि इन बॉल्स को बाद में हम लोग अपने हाथों से उठा सकते हैं ठीक है ऐसा नहीं है कि हमको किसी मशीन की ज़रूरत होगी उन बॉल्स को उठाने के लिए हम लोग अपने हाथों से उन बॉल्स को उठा सकते हैं उसके बाद क्या होता है फाइबर साधन सेपरेटेड फ्रॉम द सीड्स बाय कॉम्बिंग कि हमारे जो कॉटन के जो सीड्स होते हैं जब वो बॉल्स बर्स्ट होती हैं तब उनमें सीड्स होते हैं तो उन सीड्स को सेपरेट कर दिया जाता है और जो भी हमारा उसमें कॉटन होता है जो भी हमारा फाइबर होता है वो हम लोग ले लेते हैं कॉम्बिंग के थ्रू अलग अलग प्रोसेसिस होते हैं हमारे क्या कहते, है? क्या कहते हैं कॉटन फाइबर को ऑप्टेन करने के लिए तो उसमें कॉम्बिंग भी होता है कि हम लोग कॉम्बिंग के प्रोसेस के थ्रू हम उसमें से, से सीड्स को सेपरेट कर देते हैं और इस पूरे प्रोसेस को क्या बोला जाता है गिनिंग ऑफ कॉटन कि वो प्रोसेस जिसमें हम लोग कॉटन बॉल्स को हाथों से उठा लेते हैं और उनमें जो सीड्स होते हैं उन सीड्स को सेपरेट कर देते हैं कॉम्बिंग की हेल्प से और फिर उसमें से जो भी फाइबर होता है उसको हम लोग ले लेते हैं इस पूरे प्रोसेस को क्या बोला जाता है गिनिंग गिनिंग वॉज ट्रेडिशनली डन बाई हैंड्स की जो गिनिंग है वो बेसिकली हाथों से ही की जाती है मगर आज के टाइम पे अब जैसे आजकल टेक्नोलॉजी का काफ़ी ज़्यादा यूज़ है तो आज के टाइम पे जो गिनिंग का प्र, प्र, प्रोसेस है उसको मशीन के थ्रू यूज़ किया जाता है कि अब जो हाथों का इस्तेमाल है वो यूज़ होना बंद हो चुका है जैसे कि इसमें देखिए ये इसके पास इतनी बड़ी कॉम्ब है ये सारी कॉटन बॉल्स है अब इन कॉटन बॉल्स में जो भी सीड्स हैं वो हमारे सेपरेट हो जाएंगे इस कॉम्ब के थ्रू और जो भी हमारा फाइबर है वो हमें मिल जाएगा ठीक है आगे हमको दूसरा एक और प्लांट फाइबर गिवन है विच इज़ जूट जूट इज़ ऑबटेंड फ्रॉम द स्टेम ऑफ द जूट प्लांट जूट हमको कहाँ से मिलता है कि जूट प्लांट का जो स्टेम होता है उस उधर से हमको जूट फाइबर मिलता है इट इज़ कल्टिवेटेड ड्यूरिंग दि रेनी सीज़न जब हमारा बारिश का मौसम होता है रेनी सीज़न होता है उस टाइम हमारी जूट की खेती होती है इन इंडिया जूट इज़ मेनली ग्रोन इन वेस्ट बंगाल बिहार एंड असम इंडिया में जो जूट की जो खेती होती है वो बेसिकली कहाँ कहाँ पर होती है वेस्ट बंगाल में बिहार में और असम में आगे इसमें है द जूट प्लांट इज़ नॉर्मली harvested वेन इट इज़ एट flowering स्टेज कि जूट प्लांट को मेन कब हार्वेस्ट किया जाता है कि जब उसकी फ्लावरिंग स्टेज यानी कि जब जूट प्लांट में फ्लावर आने शुरू होते हैं उस टाइम पे जूट प्लांट की हार्वेस्टिंग स्टार्ट होती है द स्टेम्स ऑफ द harvested प्लांट्स आर इमर्ज इन वाटर फॉर अ फ्यू डेज़ और कुछ दिन दिनों के लिए क्या किया जाता है कि जूट प्लांट की जो स्टेम uh, होता है उसको काफ़ी टाइम के लिए कुछ दिन के लिए पानी में डुबो के रखा जाता है कि जैसे लेट सपोज़ ये हमारा इधर हमको एक जूट प्लांट गिवन है अब इस जूट प्लांट को पानी तक भर देंगे कि इसके जो भी फील्ड है उस फील्ड में काफ़ी सारा पानी भर दिया जाता है कुछ दिनों के लिए ताकि इसका जो स्टेम है वो पानी में डूबा रहे ठीक है आगे इसमें क्या गिवन है द स्टेम रूट एंड फाइबर्स आर सेपरेटेड बाय हैंड्स उसके वजह से क्या होगा कि जो भी हमारे स्टेम होता है और जो हमारे जो फाइबर्स होते हैं उनको हम लोग अपने हाथों से ही सेपरेट कर सकते हैं क्योंकि पानी की वजह से वो थोड़ा सा कमज़ोर होना शुरू हो जाता है जो भी हमारा जूट प्लांट होता है वो ठीक है आगे इधर हमको गिवन है टू मेक फैब्रिक्स ऑल दिस फाइबर्स आर फर्स्ट कन्वर्टेड इन टू यान और हमको अगर कोई भी फैब्रिक बनाना है तो ये जितने भी फाइबर्स होते हैं चाहे हमारा कॉटन प्लांट हो सिल्क हो जूट हो इन सब के जितने भी यान होते हैं सबसे पहले इन फाइबर्स को किस में कन्वर्ट किया जाता है यान में सबसे पहले हमारा यान बनता है उसके बाद हमारे आगे के प्रोसेसेस स्टार्ट होते हैं अब इधर हमारा न्यू टॉपिक है स्पिनिंग कॉटन यान ये हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें थैंक यू